हेलो दोस्तों, राजवंत सिंह मोहाली, मोटिवेशन स्पीकर, ऑथर एंड रियल एस्टेट मेंटर। दोस्तों, आज का जो टॉपिक है, स्ट्रॉन्ग डिज़ायर कैसे काम करती है और स्ट्रॉन्ग डिज़ायर हमारी क्यों होनी चाहिए, स्ट्रॉन्ग डिज़ायर के पीछे क्या होना चाहिए ताकि हमें सक्सेस मिले। स्ट्रॉन्ग डिज़ायर हमारी तब काम करती है जब उसके पीछे हमारा फेथ लेवल हो, हमारा मतलब विश्वास हो उसमें। जब स्ट्रॉन्ग डिज़ायर बैक्ड बाई फेथ, ये आपको फिर कोई आदमी तरक्की करने से नहीं रोक सकता। ये मैं नहीं, नेपोलियन हिल थिंक एंड ग्रो रिच किताब में कह रहे हैं। उन्होंने एक स्टोरी उसमें शेयर की है जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। एडविन सी बर्न्स, जो बहुत गरीब घर का लड़का था, अमेरिका का था, और उसने एक दिमाग में एक डिज़ायर पाल ली, बहुत बड़ी डिज़ायर पाल ली कि मैं जो थॉमस एडिसन है, उस समय का बहुत बड़ा नाम था और जिसने बल्ब ईजाद किया, और उसके बिना बहुत ज़्यादा मतलब खोजें कि आपको थॉमस एडिसन का नाम पता ही होगा, तो उसका पार्टनर बनने की मन में एक इच्छा जगा ली और इच्छा के साथ विश्वास भी पैदा कर लिया कि मैं जरूर बनूंगा। अब दोस्तों, वो एक तो उनके दोनों का स्टेटस का बहुत फर्क, एक बिल्कुल जीरो, एक बहुत हीरो, और दूसरे नंबर पर उस जो एडविन सी बर्न्स था, वो गरीब घर का था, उसके पास पैसे नहीं, उसका घर उससे बहुत ज़्यादा दूर था। लेकिन जिस आदमी ने करना है उसके पास एक कारण, जिसने नहीं करना उसके पास 100 बहाने। तो उसके पास एक कारण था कि वो किसी तरीके से उसके पास थॉमस एडिसन के पास पहुँचना चाहता था। वो मालगाड़ी के डिब्बे में सवार होके थॉमस एडिसन के पास पहुंच गया और थॉमस एडिसन से जाके मिला, थॉमस एडिसन को बताया कि मैं आपके पार्टनर बनके आपके साथ काम करना चाहता हूं। पहले तो थॉमस एडिसन जो बहुत हैरान हुआ कि ये कैसे हो सकता है, मैं कहाँ और ये कहाँ। लेकिन जब उसके साथ बातचीत की, उसने जज्बा देखा, उसमें जुनून देखा, उसमें पागलपन देखा, तो उसने उसको अलाउ कर दिया। और बाकी आप हिस्ट्री देख सकते हो, एडविन सी बर्न्स ने अपने आप को कहाँ जाके स्थापित किया, किस लिए, सिर्फ उसकी जो स्ट्रॉन्ग डिजायर थी बैक्ड बाई फेथ, उसके पीछे विश्वास था। तो दोस्तों, आपको नज़रिए की इलाज की ज़रूरत नहीं, आपको नज़रिए के इलाज की ज़रूरत है। जब आप अपना नज़रिया ठीक कर लेते हो तो आप 100% सक्सेस हासिल कर सकते हो। सो दोस्तों, आज के लिए इतना ही, मिलता हूँ जल्दी एक नए टॉपिक के साथ। हाँ, जाते जाते ये दोस्तों, जिस दोस्त ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल सब्सक्राइब करके घंटी वाला बटन दबा लो, और वीडियो अच्छी लगे लाइक कर लेना, शेयर कर लेना, और अपना सवाल हो कमेंट बॉक्स में दे सकते हो। थैंक यू वेरी मच।